नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। टारगेट एसबीआई पीओ क्लर्क 2018 की वीडियो की सीरीज़ में आज हम रीजनिंग सेक्शन से पज़ल नंबर 21 आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 20 वीडियो बनाई है पज़ल्स की, वो काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आप उसको जो वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और ये जो पज़ल नंबर 21 है, ये भी एक अच्छा सवाल है, जो कि एक अरेंजमेंट पज़ल है और इसमें आपको दो रो में हमें अरेंज करने हैं, रो वन एंड रो टू में। तो पज़ल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि आपने हमारा चैनल प्रेप इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देर आर टू रोज, रो वन एंड रो टू। रो वन है एंड रो टू है एंड ए बी सी डी सिट इन रो वन फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। सो ए बी सी डी हैं, वो रो वन में बैठते हैं और साउथ को फेस कर रहे हैं। एंड पी क्यू आर एस टी सिट इन रो टू। रो टू में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं एंड दे फेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। सो ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। दे लाइक डिफरेंट क्रिकेटर्स, इन लोगों को अलग अलग क्रिकेटर्स पसंद है। वन ऑफ द क्रिकेटर्स इज ए बी डिविलियर्स, उन में से एक क्रिकेटर है ए बी डिविलियर्स और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ नोन अबाउट देम, और यहाँ से जो कंडीशन स्टार्ट होती है। तो आइए हम कंडीशंस को लिख देते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। रो वन में ए बी सी डी ई है, इस ऑर्डर में नहीं बैठे हैं याद रखिएगा। रो टू में पी क्यू आर एस टी हैं और ये ऐसे फेस कर रहे हैं, तो असली में वो हर एक जो है बैठा हुआ वो एक दूसरे को आमने सामने फेस कर रहा है। तो आइए कंडीशन स्टार्ट करते हैं लिखना। तो पहली कंडीशन लेते हैं हम, ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु आइदर लाइक्स क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे जो क्रिस गेल दिया हुआ है हम इसको सी जी मान लेते हैं एंड सचिन तेंदुलकर को एस टी मान लेते हैं, ठीक है। तो ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अभी ई और सी जो फर्स्ट रो में है जो कि साउथ को फेस कर रहे हैं, तो जो सी के लेफ्ट में ई है यानी सी अगर यहाँ होगा और उसका फेस इस तरह से होगा तो उसका लेफ्ट साइड यहाँ होगा, राइट साइड यहाँ होगा, तो टू प्लेसेस छोड़ के ई है, वन टू थ्री यहाँ पे ई है और सी को है क्रिस गेल या सचिन तेंदुलकर पसंद है। सो सी को क्रिस गेल या सचिन तेंदुलकर पसंद है, ठीक है। कंडीशन वन लिख देते हैं हम यहाँ पे। कंडीशन टू लिखते हैं, बी सिट्स थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु फेसेस टी। सो टी नीचे आएगा, उसके जो ऑपोजिट बैठा है बी उससे तीन प्लेसेस दूर है। सो वन टू थ्री, बी यहाँ हो सकता है या फिर इस साइड भी हो सकता है, वन टू थ्री, ओके। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। थर्ड कंडीशन लेते हैं, द वन हु लाइक्स शेन वॉटसन नेदर सिट्स opposite to the one who likes Sachin Tendulkar nor A. So जो शेन वॉटसन है वो सचिन तेंदुलकर के ऑपोजिट नहीं बैठा है, तो सचिन तेंदुलकर मान लीजिए ऊपर है तो उसके जो ऑपोजिट है वो शेन वॉटसन नहीं है और जो शेन वॉटसन है वो A के ऑपोजिट भी नहीं है, ठीक है। आइए कंडीशन फोर लेते हैं, आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक मिसबा उल हक। सो आर और मिसबा उल हक रो टू में आएंगे, तो यहाँ हम बना देते हैं एम यू एच शॉर्ट फॉर्म मिसबा उल हक और उसके राइट में यहाँ होगा, अगर मिसबा उल हक का फेस ऐसे होगा तो राइट यहाँ होगा एंड सेकेंड टू द राइट, सो वन टू यहाँ पे आर बैठेगा। कंडीशन फाइव लेते हैं, द पीपल हु लाइक विराट कोहली एंड रिकी पॉन्टिंग फेस टूवर्ड्स ईच अदर एंड वन ऑफ देम इज ई। सो विराट कोहली को हम वी के मान लेते हैं एंड रिकी पॉन्टिंग को आर पी मान लेते हैं, ये ऑपोजिट बैठे हैं और उनमें से एक ई है, सो ई शायद ये हो सकता है या ई ये हो सकता है। कंडीशन सिक्स लेते हैं, टी डजेंट लाइक सचिन तेंदुलकर एंड आर डज नॉट लाइक विराट कोहली। सो जो टी है उनको सचिन तेंदुलकर पसंद नहीं है और जो आर है उनको विराट कोहली
पसंद नहीं है। कंडीशन सेवन लेते हैं, एस लाइक हाशिम आमला एंड सिट्स इन द फ्रंट ऑफ द वन हु सिट्स विद सी। सो एस को हाशिम आमला पसंद है, एस नीचे आएगा तो, और एस जो जिसके सामने बैठा है उसके जो बाजू में सी हो सकता है, ठीक है। सो एस जो बैठा है जिसके सामने उसके बाजू में सी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि सिट्स इन द फ्रंट ऑफ द वन हु सिट्स विद सी। कंडीशन एट लेते हैं, डी सिट्स एट द मिडल एंड लाइक्स एम एस धोनी। सो डी जो है मिडल में बैठे हुए हैं और एम एस धोनी उनको पसंद है। कंडीशन नाइन यहाँ ले लेते हैं, क्यू डजन सिट विथ टी एंड फेसेस टी। सो क्यू जो है वो टी के साथ नहीं बैठा हुआ है और वो सी को फेस कर रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया है। कंडीशन टेन लेते हैं, द वन हु लाइक्स रोहित शर्मा सिट्स एट द राइट एंड इन रो वन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पीपल इन रो वन। सो रो वन की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से सबका फेस है यहाँ पे, तो सबका जो फेस इस तरह से, तो राइट सबका यहाँ होगा, इस तरह से राइट साइड इधर होगा, और रोहित शर्मा जो है वो राइट एंड में बैठे हैं, तो रोहित शर्मा जो है यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल बैठे हुए हैं, फर्स्ट वाले जो हैं, ठीक है। 11वीं कंडीशन लेते हैं, ए डज नॉट लाइक शेन वॉटसन। सो ए को शेन वॉटसन पसंद नहीं है, ओके। तो ये हमने सारी कंडीशंस लिख दी है, आइए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमने सारी कंडीशंस यहाँ पे लिख दी है, आइए हम डायग्राम बना लेते हैं रो वन रो टू का, जिसमें रो वन में ए बी सी डी बैठे हैं और वो साउथ को फेस कर रहे हैं, रो टू में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं और वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे पांच पोजीशन बना लेते हैं, तो इन सब कंडीशंस में हम देखेंगे कि कंडीशन जो 11th वाली है ये हमें क्लियरली मालूम पड़ रही है कि रो वन में जो सबसे कोने की पॉइंट है पहले वाली, वहाँ पर जो बैठे उनको आर एस पसंद है। सो आर एस यहाँ लिख देते हम पसंद है, पर्सन कौन है वो हमें मालूम नहीं, लेकिन उनको आर एस यानी रोहित शर्मा पसंद है, तो ये कंडीशन हमने लिख दी है यहाँ पे। दूसरी एक है कंडीशन एट में कि जो डी है ये मिडल में है, तो डी यहाँ पे आएगा रो वन में, मिडल मतलब ये पोजीशन रहेगा डी, और उनको एम एस टी पसंद है, तो एम एस टी यहाँ लिख देते हैं। सो ये जो क्लियर क्लियर कंडीशंस हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दी गई है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा, अब हम यहाँ चलते हैं कंडीशन वन में कि सी के तीन प्लेस छोड़ के ई है, तो सी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ई ये फिट नहीं होगा, सी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि डी ये दिया है, सी यहाँ या यहाँ हो सकता है। तो मान लीजिए सी यहाँ है तो दो प्लेस छोड़ के ई होना चाहिए, यानी वन टू ई यहाँ होना चाहिए। सो सी यहाँ बनाते हैं, ई यहाँ बनाते हैं, लेकिन सी जो है सी डब्ल्यू एन एस टी को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आर एस दिया गया है, सो सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे प्लेस पे ई यहाँ आ जाएगा, और सी का सी डब्ल्यू या एस टी पसंद है, तो सी डब्ल्यू या एस टी यहाँ लिख देते हैं, ओके। कंडीशन नाइन में हम जो सेकेंड पार्ट है कि सी के ऑपोजिट क्यू है, तो सी यहाँ है तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और वहीं पर ही कंडीशन नाइन में दिया है कि क्यू और टी साथ में नहीं है, तो क्यू यहाँ पर है सो टी यहाँ पे नहीं रहेगा, टी यहाँ पे नहीं रहेगा। सो कंडीशन टू में हम आते हैं, टी के जो सामने है उसमें दो प्लेस छोड़ के तीसरे प्लेस पे बी है या फिर यहाँ पे बी आ सकता है, सो टी यहाँ नहीं है, यहाँ क्यू है, यहाँ टी नहीं आ सकता, सो टी यहाँ या यहाँ आ सकता है। मान लीजिए टी को हम यहाँ बनाते हैं तो उसके ऑपोजिट तीन प्लेस पे वन टू थ्री बी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सी है, सो टी को यहाँ आना पड़ेगा और उसके ऑपोजिट जो है और तीसरे प्लेस पे वन टू थ्री यहाँ पे
बी आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी बचा हुआ प्लेस ए है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन 9 पूरा हो गया है। इसके बाद टी जो है एस टी पसंद नहीं है, सो टी यहाँ पे हम लिख देते हैं एस टी पसंद नहीं है। अब ये हम कंडीशन 4 लेते हैं, एम यू एच दो प्लेस छोड़ के आर है, सो एम यू एच यहाँ आ सकता है दो प्लेस छोड़ के आर यहाँ आ सकता है, या एम यू एच यहाँ आ सकता है दो प्लेस छोड़ के आर हो सकता है। लेकिन साथ में कंडीशन 7 हम देखते हैं कि सी के जो बाजू में है उसके ऑपोजिट एस है, और एस को एच एम पसंद है। तो मान लीजिए हम एम यू एच को यहाँ बना देते हैं, एम यू एच को, तो उसके जो दो प्लेस छोड़ के यहाँ पे हम आर बना देते हैं, सी के जो बाजू में है उसके ऑपोजिट एस यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ आर है, तो एस को यहाँ आना पड़ेगा, और एस को एच एम पसंद है लेकिन एस को एम यू एच आ रहा है, तो ये वाला नहीं आएगा और एम यू एच को यहाँ आना पड़ेगा, और दो प्लेस पे आर यहाँ पे रहेगा। कंडीशन 7 हम दोबारा देखते हैं कि सी के जो बाजू में है उसके ऑपोजिट एस है, तो सी के बाजू मान लीजिए डी है तो उसके ऑपोजिट एस है, और एस को एच एम पसंद है लेकिन एम यू एच यहाँ पर है, तो सी के जो बाजू में वाला यहाँ नहीं आएगा, सी के ये बाजू लेते हैं, सो बी है और बी के बाजू ऑपोजिट यहाँ पे एस आ जाएगा, और जो एस को एच एम पसंद है तो एस को ये हो जाएगा एच एम। ठीक है, और यहाँ पे जो बचा हुआ पी क्यू आर एस टी में पी यहाँ पर आ जाएगा। सो ये कंडीशन 7 हो गया है, कंडीशन 4 हो गया है, ए के ऑपोजिट एस डब्लू नहीं है, सो ए यहाँ पर है उसके ऑपोजिट एस डब्लू नहीं है, और एस टी और एस डब्लू आमने सामने नहीं है, सो एस टी और एस डब्लू यहाँ पे भी नहीं आएगा। ए यहाँ पे दिया गया है, एस डब्लू नहीं है, सो ए एस डब्लू नहीं है। ठीक है, ये सी डब्ल्यू सी जी है, क्रिस गेल्स, सो सी जी यहाँ पर है क्रिस गेल्स। आर है उसको वी के पसंद नहीं है, सो आर यहाँ पर है, यहाँ पे वी के नहीं आएगा। सो आप देखिए वी के और आर पी ऑपोजिट है और उसमें से एक ई है, सो वी के आर पी ये जो है इसी लाइन में आएगा, लेकिन यहाँ वी के नहीं है तो वी के यहाँ हो जाएगा और आर पी यहाँ हो जाएगा। एस टी और एस डब्ल्यू यहाँ नहीं है लेकिन एस टी यहाँ पर है, और एस टी यहाँ नहीं आ सकता है तो एस टी यहाँ हो जाएगा, और सी जी जो है वो यहाँ आ जाएगा, और एस डब्ल्यू यहाँ नहीं है तो एस डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। बचा हुआ ये एबी डिविलियर्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु लाइक्स एबी डिविलियर्स। अभी देखिए आप एबी डिविलियर्स यहाँ पर है और ये टी पसंद करते हैं उसको, सो ऑप्शन नंबर 4 टी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, हु सिट्स ऑपोजिट टू ए। सो ए आप देखिए यहाँ पर हैं और उनके ऑपोजिट कौन बैठे हैं, ये टी बैठे हैं और वो पसंद करते हैं एबी डिविलियर्स, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है टी, सो एबी डिविलियर्स की बात नहीं करते हैं, टी यहाँ बैठे हैं, सो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है टी। हु सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। सो टी देखिए कहाँ पर है, इधर है, उनका फेस इधर है तो लेफ्ट यहाँ हुआ, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब 1 2, और ये क्यू हुआ, क्यू के ऑपोजिट है सी। ठीक है, सो हु सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी क्यू है, उनके ऑपोजिट सी है, और उनको क्या पसंद है, एस टी। सो यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पर क्रिस गेल आना चाहिए और एस टी यहाँ पे होना चाहिए, ये नेगेशन नहीं होना चाहिए, सो थोड़ा ये गड़बड़ कर दिया है मैंने। आप इस सवाल को करेक्टली सॉल्व कर लीजिए कि एस सी जी यहाँ पर आएगा और एस टी यहाँ पे आएगा। ठीक है,
इस हिसाब से जो हमारा आंसर है क्रिस गेल यहाँ पे रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हु सिट्स एट द राइट एंड इन रो 2? रो 2 यहाँ पर है और इनका फेस यहाँ पर है, तो राइट एंड में यहाँ पे आर बैठे हुए हैं, एंड उसमें जो लिखा है हु लाइक्स आर पी यानी रिकी पॉन्टिंग। सो द वन हु लाइक्स रिकी पॉन्टिंग वो राइट एंड में बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स रिकी पॉन्टिंग? सो इमीडिएट नेबर कौन है जो रिकी पॉन्टिंग को पसंद करते हैं? इमीडिएट नेबर है यहाँ पे कोई नहीं है, तो इमीडिएट नेबर यहाँ पे टी हो गए हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हु सिट्स डायगनली ऑपोजिट टू ई? सो ई कहाँ है? ई यहाँ पर है, डायगनली ऑपोजिट आप आइए तो यहाँ पर एस बैठे हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 एस करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओनली जो करेक्शंस यहाँ पे करनी है कि यहाँ पर क्रिस केल आएगा और ST यहाँ पर आएगा, तो इस तरह से ये क्रिस केल यहाँ पर आएगा और ST यहाँ पर आएगा। आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम कैसा लगा, और ये करेक्शंस भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।